So guys, अगर आपने अभी तक भी 5G फोन नहीं लिया है या हो सकता है आप 5G फोन ले चुके हैं लेकिन फ्यूचर में आप 4G सर्विसेज के साथ ही कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो यार ऐसे में क्या 5G के लॉन्च होने के बाद में 4G सर्विसेज को बंद कर दी जाएगी? क्योंकि 5G को अभी कुछ सिटीज में लॉन्च तो कर दिया गया है लेकिन 5G प्लान्स अभी तक सामने नहीं आए हैं कि 5G के एक्चुअल प्लान्स क्या होने वाला है। सो ऐसे में जो लोग 5G फोन खरीद चुके हैं वो अगर 5G के प्लान्स काफी ज्यादा महंगे होंगे तो हो सकता है वो 4G सर्विसेज के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो यार ऐसे में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि 5G एक बार पूरी तरह से लॉन्च हो जाएगा तो क्या 4G सर्विसेज को बंद कर दी जाएगी, साथ ही स्मार्टफोन कंपनीज 4G फोन्स बनाना ही बंद कर देगी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 5G के लॉन्च होने के बाद में क्या 4G की स्पीड स्लो कर दी जाएगी। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो यार वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपके सारे डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस मेरा नाम है तोशिन एंड यू आर वॉचिंग तोशिन टेक, सो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या 5G के लॉन्च होने के बाद में 4G सर्विसेज को बंद कर दी जाएगी, उसके बाद में बात करेंगे कि क्या स्मार्टफोन कंपनीज 5G के लॉन्च होने के बाद में 4G फोन्स बनाना ही बंद कर देगी, 4G फोन्स लॉन्च करना ही बंद कर देगी, और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या 5G के लॉन्च होने के बाद में 4G की स्पीड कम कर दी जाएगी या फिर उतनी ही देखने को मिलेगी। सो गाइस सबसे पहले तो समझेंगे पॉइंट नंबर 1 को कि क्या 5G के लॉन्च होने के बाद में 4G सर्विसेज को बंद कर दी जाएगी। मतलब 5G के लॉन्च होने के बाद में जब एक बार 5G कंप्लीटली लॉन्च हो जाएगा तो हमें अपने फोन में 5G का ही रिचार्ज करना पड़ेगा, क्या हम 4G सर्विसेज यूज नहीं कर पाएंगे? तो इसको थोड़ा सा डीपली समझेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि काफी इजी लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे। सो जैसा कि आपको पता होगा कि 1 अक्टूबर 2022 को पीएम मोदी ने IMC के दौरान इंडिया में 5G सर्विसेज को लॉन्च कर दी है, लेकिन स्टार्टिंग में ये सर्विसेज कुछ सिटीज में लॉन्च की गई है और इसको पूरे देश में अभी लॉन्च होने में कम से कम 2 साल का टाइम और लगने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर 4G सर्विसेज अभी बंद नहीं की जाएगी और फिलहाल के लिए 4G सर्विसेज आपको एज इट इज देखने को मिलेगी। जिस तरह से इंडिया में 3G सर्विसेज के बाद में जब 4G सर्विसेज लॉन्च हुई थी तो उस टाइम 4G जैसे जैसे पूरे इंडिया में सेट हुआ उसके बाद में 3G सर्विसेज को लगभग बंद कर दी गई और 3G प्लान्स वगैरह सभी कुछ बंद कर दिए गए हैं। लेकिन 4G के साथ अब आपको इस बार ऐसा नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जब भी 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च हो जाएगी तो 4G सर्विसेज भी एज इट इज आपको अभी जैसे देखने को मिल रही है वैसे ही इन फ्यूचर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि 5G को कंप्लीटली पूरे इंडिया में हर एक सिटी और हर एक गांव तक पहुंचने में अभी काफी टाइम लगने वाला है। सो यहाँ पर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अगर आपकी सोच भी इन भाई जैसी है तो यहाँ पर 4G अभी कहीं जाने वाला नहीं है, एटलीस्ट अगले 5 से 6 साल या फिर हो सकता है उससे भी ज्यादा अभी 4G सर्विसेज कहीं जाने वाली नहीं है। सो अब बात करते हैं कि क्या स्मार्टफोन कंपनीज 4G फोन्स बनाना बंद कर देगी, मतलब 4G फोन्स लॉन्च ही नहीं करेगी। सो यहाँ पर 4G फोन्स की अगर बात करें तो अभी 2022 में भी काफी सारी कंपनीज 5G फोन्स तो लॉन्च कर रही है लेकिन साथ ही 4G फोन्स भी लॉन्च कर रही है, और इन फ्यूचर भी आपको टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से 4G प्लान्स भी देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में आने वाले कुछ सालों के लिए अभी स्मार्टफोन कंपनीज 4G फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं करेगी, इसका मतलब आपको इन फ्यूचर भी 4G फोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। हो सकता है जब 5G धीरे धीरे इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और काफी सारे लोग जब 5G में शिफ्ट हो जाएंगे उसके बाद में कंपनीज डिसाइड करेगी कि 4G फोन्स को बंद करना है या नहीं, लेकिन फिलहाल आने वाले कुछ सालों के लिए यहां पर अभी ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि आपको 4G फोन्स मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सारे टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। सो यहाँ पर आने वाले कुछ सालों में 4G फोन्स भी लॉन्च होंगे और टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से आपको 4G प्लान्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो अगर अभी भी 2022 में आप कंफ्यूज है कि आपको 4G फोन लेना चाहिए या फिर 5G फोन लेना चाहिए तो यार एक बार से इस वीडियो को जरूर से चेकआउट करना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या आपको अभी के टाइम में 4G फोन लेना चाहिए या फिर 5G फोन लेना चाहिए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार से जरूर से उस वीडियो को चेकआउट करना। सो आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इन फ्यूचर आपको स्मार्टफोन कंपनीज की तरफ से 4G फोन्स देखने को मिलेंगे या नहीं। तो अब बात करते हैं सबसे लास्ट पार्ट की, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि क्या 5G के लॉन्च होने के बाद में 4G की स्पीड स्लो हो जाएगी। सो यार ये चीज सुन के आप बहुत ही खुश होने वाले हैं अगर आप 4G सर्विसेज के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। सो टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब 5G इंडिया में लॉन्च होगा जैसे जैसे लोग 5G में शिफ्ट करेंगे वैसे वैसे 4G नेटवर्क पर जो दबाव पड़ता है वो कम होगा और आपको फ्यूचर में 4G सर्विसेज की जो स्पीड है उसमें और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मतलब 4G स्पीड में भी सुधार आ जाएगा।
सो यार ये तो काफी अच्छी बात है, हमें एक सेकंड में पूरी मूवी डाउनलोड नहीं करनी है, लेकिन जो हम 4G सर्विसेज यूज कर रहे हैं यार उसको तो कम से कम हम सही तरह से यूज कर पाए। तो आई होप कि 5G के लॉन्च होने के बाद में हमें 4G की स्पीड में भी सुधार देखने को मिले और 4G से ही हमारा काम चल जाए तो हो सकता है काफी सारे लोग 4G के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इतना सब कुछ मैंने आपको बताया वो सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो आपको बताना बहुत ही जरूरी है। देखिए जब भी इंडिया में 5G प्लान्स लॉन्च होंगे, अभी तक तो 5G प्लान्स अभी क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी इंडिया में 5G प्लान्स लॉन्च होंगे और उनकी प्राइस काफी ज्यादा हुई, तो ऐसे में जिन लोगों ने 5G फोन लिया हुआ है वो भी हो सकता है 4G का रिचार्ज ही करवाएं, 5G का नहीं करवाएं। तो यार ऐसे में ये चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 4G अभी रहना चाहिए और रहेगा, 4G अभी कहीं भी जाने वाला नहीं है। जब तक 5G सर्विसेज के प्लान अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च नहीं होते हैं तब तक हो सकता है बहुत सारे लोग 4G सर्विसेज के साथ ही खुश रहेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूजफुल लगा तो यार जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस नहीं करेंगे। सो मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।